कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोग को और एक नए ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है कि आज तो है विजयदशमी, तो चलिए आज आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे इधर कैसे दुर्गा ठाकुर को विसर्जित किया जाता है। तो देखते देखते दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है, तो फिर चलिए अभी चलता हूँ मैं। इधर से थोड़ा दूर है, मतलब एक रिवर है चंपावती रिवर, तो उसी में विसर्जित किया जाता है। अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को दिखाएंगे। हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं और इधर से हम लोग बाइक इधर रखेंगे क्योंकि आगे पार्किंग करने की जगह नहीं है, आगे बहुत भीड़ होगा और बाद में हम लोग बाइक निकल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी इधर बाइक रखेंगे और उसके बाद अभी हम लोग चंपावती ब्रिज जाएंगे। तो देख सकते हैं इधर नो एंट्री है, इधर गाड़ी अलाउ नहीं है, तो हमने उधर रख के अच्छा किया। देख सकते हैं कितना लोग है, मतलब इधर बहुत जगह से मूर्ति लाया जा रहा है ना, इसलिए इधर बहुत ज्यादा भीड़ है। इधर ही मतलब एक ही नदी है, इधर ही विसर्जित किया जाता है। तो चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं, सामने बहुत ज्यादा भीड़ है, आप लोग देखिए। देख लिया कितना ज्यादा भीड़ था, ट्रक ट्रैक्टर में मतलब मूर्ति लाया गया है, तो उधर बहुत ज्यादा भीड़ था, इसलिए अभी हम लोग उधर दिखा नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, इधर से नजारा अच्छा मिलेगा, तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को ब्रिज से। मतलब अभी विसर्जित करना स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर पर स्टार्ट होगा, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो मतलब ब्रिज में कुछ ऐसा सीन था कि हमारा मोबाइल का जो जूम है वो सपोर्ट नहीं करता, इतना दूर तक ट्रैक साइड जाएंगे उधर से शायद दिखा पाएंगे आप लोगों को। तो चलिए अभी दूसरा साइड जाते हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो चलिए ब्रिज में। तो मतलब मोबाइल का कैमरा ही काम नहीं करता, इतना मतलब 2x जूम है ना, और 10x जूम में तो कैमरा का क्वालिटी ख़त्म हो जाता है, कुछ भी क्वालिटी नहीं रहता है, आदमी ही नहीं देखता है। तो चलिए अभी नीचे जाते हैं, नीचे से भी अच्छा होगा और उधर विसर्जित भी किया जा रहा है, तो फिर चलिए। फाइनली हम लोग नीचे आ गए और उस साइड पे विसर्जित किया जा रहा है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अभी उस साइड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, उधर बहुत लोग भी है और अभी विसर्जन करना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं मूर्ति लाया जा रहा है, उस साइड पे मूर्ति लिया जा रहा है, देखिए मूर्ति लाया जा रहा है। Oh!
आप लोग देख सकते हैं उस साइड पे भी विसर्जित किया जा रहा है, और बीच में आप लोग एनडीआरएफ की बोट देख सकते हैं, सेफ्टी के लिए लाया गया है। देखिए ब्रिज के चारों तरफ लोग हैं, देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देता है। देखिए मूर्ति लाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं अभी और एक मूर्ति लाया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये है दुर्गा ठाकुर का, तो अभी इसे विसर्जित किया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, और अभी बहुत अंधेरा होने वाला है अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी हम लोग ये वाला दिखा के अभी हम लोग वापस जाने वाले हैं घर। तो देखिए आप लोग अंधेरा हो चुका है, और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। विसर्जन अभी होता रहेगा, लेकिन अभी अंदर में हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। तो अभी इस वीडियो को इधर ही कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए बाय।